नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग में मुख्य अनुरेखक व अनुसेव के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंग वस्त्र भेंट कर विदाई दी गयी। चकबंदी कार्यालय सभागार में प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग के मुख्य अनुरक्षक लालचंद्र राम व अनुसेवक विमला देवी की अधिवर्षता आयु पूरी होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में दोनों कर्मचारियों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान नवागत चकबंदी अधिकारी संतोष सिंह का भी कर्मचारी ने स्वागत किया। कर्मचारी ने सेवानिवृत्त हो रहे दोनों कर्मचारियों को अंग वस्त्र एवं रामचरित मानस भेंट कर विदाई दी। इस दौरान नवागत डीडीसी ने कहा कि हमारे दो कर्मचारी आज दीर्घकालीन सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनको विभाग कर्मचारी ने विदाई दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी कामना करते हैं दोनों कर्मचारी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न रहें। मैं अभी डीडीसी के पद पर इस जनपद में नवागत हूँ। अभी एक हफ्ते पहले मैंने कार्यभार ग्रहण किया है और ये महीना 31 दिसंबर आज है, ये साल भी बीत रहा है। और हमारे बीच से हमारे दो कर्मचारी, एक ड्राफ्ट मैन लालचंद जी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला हैं जो बिमला जी, ये सेवानिवृत्त हो रही हैं अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके। और हम लोग इनके उत्कृष्ट कार्यों और इनके सराहनीय सेवा के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इनको भावभीनी विदाई दे रहे हैं। और हमारे बीच से ये लोग आज एक दीर्घकालीन सेवा पूर्ण करके विदा हो रहे हैं। हमारी पूरी संवेदना इनके परिवार और इनके प्रति है और इसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे दोनों कर्मचारी अपने जीवन में आगे स्वस्थ प्रसन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।